दोस्तों, आजादी के बाद से ही इंडियन आर्मी जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करती आई है। कभी कभार तो देश के बाहर जाकर भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। ये सब संभव होता है उनकी डाइट की वजह से। दोस्तों, अगर सेना की बात हो तो चीन के बाद भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी सेना एक्टिव कैसे रहती है? तो दोस्तों, हमारी सेना की फुर्ती का राज इनकी डाइट में है। हम जैसे नॉर्मल इंसान के लिए एक्टिव रहने के लिए दिन में करीब 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी सेना को एक दिन में करीब 4000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा काम करते हैं। जब काम ज्यादा करते हैं तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी सेना में करीब 16 लाख सैनिक है। और फिर यह सवाल भी आना चाहिए कि इतनी बड़ी सेना का खाना कहाँ बनता है और कैसे बनता है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि सेना के लिए आखिर इतना खाना कैसे बनता है, सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में या फिर बॉर्डर पर सेना के लिए भोजन कैसे पहुंचाया जाता है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सही है, अगर हमारी सेना भूखी रहेगी तो जंग नहीं लड़ पाएगी। इसलिए हमारी सेना के खान पान पर अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। जिन लोगों का यह जिम्मा है उन्हें सब पता है कि सैनिकों को समय पर सही भोजन नहीं मिलता है तो फिर भी अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप सब ने बॉर्डर मूवी तो जरूर देखी होगी, तो यह भी जरूर पता होगा कि बॉर्डर मूवी में इन फौजियों के साथ एक खानसामा भी थी। और रियल लाइफ में भी इन फौजियों के साथ ऐसा ही होता है। फौजियों की हर रेजिमेंट के साथ एक खानसामा भी होता है, ताकि हमारी सेना को गर्म और अच्छा पौष्टिक भोजन हर वक्त मिलता रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेना की हर यूनिट को भोजन के लिए अलग से पेमेंट मिलता है। भारत की सरकार का एक बड़ा हिस्सा फौजी भाइयों के इन भोजन पर खर्च किया जाता है। यदि सेना जंग पर भी होती है तो भी उसी हिसाब से उन्हें भोजन मिलता रहता है। जंग हो या फिर बॉर्डर पर तनादनी, खानसामा हर वक्त उनके साथ रहते हैं और इन फौजियों को लजीज भोजन परोसते रहते हैं। सेना की सेहत के लिए पौष्टिक खाना बेहद जरूरी होता है। चलिए आपको बताते हैं कि यूनिट में मौजूद खानसामा क्या क्या करता है। असल में खानसामा की ये ड्यूटी बनती है कि फौजियों को तीन वक्त का खाना दे। भोजन के साथ साथ स्नैक्स और चाय का जिम्मा भी इन्हीं खानसामा के हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग चाय पीते हैं, फौजी भाइयों को भी रूटीन के अनुसार चाय दी जाती है। अब बात करते हैं उन रेजिमेंट की जो केवल एक ही जगह से ऑपरेट की जाती है। ऐसी रेजिमेंट को बटालियन के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रॉपर कुक होते हैं जो आर्मी का भोजन तैयार करते हैं। वे मन से भोजन नहीं बना सकते, उनकी डाइट पहले से ही तय होती है, उसी के अनुसार ही उन्हें भोजन दिया जाता है। एक बात आपको अजीब लगेगी, अगर आप शाकाहारी हो तो फिर आपको मांसाहारी भोजन अच्छा नहीं लगेगा, मगर सेना में जब आप जाओगे तो आपको ताजुब होगा कि यहाँ पर दोनों ही भोजन, शाकाहारी हो या मांसाहारी, उसी हिसाब से बनता है। हाँ, ये अलग बात है, जिसको जो खाना है वह उसे मिल जाता है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाती है। अब बात करते हैं BSF की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर की आन बान और शान, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, उनकी निगाहें हर वक्त बॉर्डर की तरफ रहती है। सीधी सी बात है, उन्हें बढ़िया भोजन मिलता है तभी तो वे ड्यूटी कर पाते हैं। सबसे पहले इन आर्मी के लिए बड़े बड़े शहरों से बहुत सारा सामान इकट्ठा किया जाता है, जिससे ये भोजन बनता है। वह चाहे हरी सब्जियां, दूध, अंडे, फ्रूट, एक कंटेनर ट्रक में भरकर उस जगह भिजवाया जाता है जहां पर आर्मी का कैंप होता है। कहीं कहीं पर यह भी होता है कि ट्रक जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, तो फिर इन जगहों के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। वहीं पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन सामग्री ऊपर से गिरा दी जाती है और फिर वहीं से काम शुरू होता है खानसामा का। अगर बात करें जिसमें 100 से 150 सैनिक होते हैं, उसे एक कंपनी कहा जाता है। उनका खाना कैसे बनता है, आइए नजर डालते हैं। ऐसी कंपनी में दो कुक साथ जरूर होते हैं, जिनका काम शुरू होता है सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के भोजन तक। उन्हें अलग से कोई दूसरा काम नहीं करना होता है, बस उन्हें तो सैनिकों के भोजन का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यकीन मानिए, भारतीय आर्मी के फौजी देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, उनके पास ताजा पौष्टिक खाना जरूर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि उस कंडीशन की, जहां पर फौजी बॉर्डर पर लड़ते रहते हैं और मैदान छोड़ना नहीं पड़ता है, तो फिर वहां क्या होता है? क्या हमारे फौजी बिना खाना खाए लड़ते रहते हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसा नहीं होता है कि बिना खाना खाए सेना लड़ती रहे, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है। वह चाहे इंसान हो या सेना, बिना एनर्जी के काम नहीं कर सकती। यह नियम हमने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। असल में ऐसी कंडीशन में फौजी भाइयों को पैकिंग का खाना मिलता है, जो वहाँ डटे डटे ही खाना खाना पड़ता है। दोस्तों, फौजी भाइयों की जब सुबह की नींद खुलती है तो उन्हें नाश्ते में चाय और पराठे मिलते हैं, और कभी कभी तो पूरी और सब्जी भी मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही लंच का टाइम होता है तो फिर रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि उन्हें परोसे जाते हैं। इसमें फौजी भाइयों को सलाद भी अच्छी खासी मात्रा में दी जाती है, और जैसे ही रात होती है तो फिर उन्हें डिनर परोसा जाता है, जिसमें अमूमन हल्की डाइट होती है। ये सब काम टाइम टेबल के हिसाब से होता है। इतना ही नहीं, सेना को हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज भोजन भी दिया जाता है। ये सब डाइट पहले से निर्धारित होती है और इस पर एक पूरी टीम काम करती है। तब जाकर इन सैनिकों को ताजा और शुद्ध पौष्टिक भोजन मिल पाता है, और जो शाकाहारी होते हैं तो फिर उनके प्रोटीन की पूर्ति दूध और पनीर से हो जाती है। साथ ही तत्काल एनर्जी के लिए फ्रूट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। खानसामा को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि दिन भर उस रसोई में ही लगे रहते हैं। जब भी उनका शेड्यूल आता है तो वे भी ट्रेनिंग में हाथ आजमाते हैं। अक्सर हम मूवीज में देखते हैं कि जब जंग के दौरान पलटन में सैनिकों की कमी हो जाती है तो फिर ये खानसामा भी जाकर हथियार पर अपना हाथ आजमाते हैं और दुश्मनों का जमकर मुकाबला करते हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि सेना के अफसरों के लिए अलग खाना बनता है और सैनिकों के लिए अलग खाना। इसकी वजह भी है, आर्मी की तैनाती हर उस जगह पर हो सकती है जहाँ आर्मी ऑफिसर चाहते हैं। वह चाहे हड्डियां गला देने वाली बर्फ में हो या फिर तपा देने वाली उस भयंकर गर्मी के मौसम में, इसलिए उनके लिए अलग डाइट की जरूरत होती है। एक जैसा भोजन यहाँ पर काम नहीं आता है। यह तो उस कंडीशन पर तय होता है कि उनकी तैनाती कहाँ पर है। दोस्तों, आज से करीब 4-5 साल पहले भारत की सेना से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया था कि सेना का भोजन अच्छा नहीं होता है। हमें नहीं पता उस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या थी। अगर आपको उसकी जानकारी है तो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा तो यही मानना है कि भारतीय फौज का कोई मुकाबला नहीं है, और जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। दोस्तों, मेरे जैसे लाखों युवा बचपन से ही आर्मी में जाना पसंद करते हैं। उनकी पहली पसंद आर्मी होती है। इतनी इज्जत और किसी सेवा की नहीं होती है जितनी आर्मी की होती है। हम बेपरवाह होकर घरों में सोते रहते हैं, मगर हमारी आर्मी उस समय भी जागती रहती है। हमने नल्ले पड़ोसियों से धोखा भी खाया है, मगर आज वाला इंडिया घर में घुसकर मारता है। कोई मिले दोस्तों, एक लाइक तो इंडियन आर्मी के लिए बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।